हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई या एनिमल मूवी और सैम बहादुर जो है दोनों रिलीज हो गई हैं। तो सुनने में अब आपके कमेंट्स मैंने पढ़े थे तो उसमें ये पता चल रहा था कि सैम बहादुर का जो फर्स्ट डे है वो कुछ 6 करोड़ हुआ है और एनिमल का कोई 100 करोड़। तो हाँ, वही तो मैं वो डिफरेंस देख के, मतलब एनिमल के लिए तो चलो अच्छी बात है, पर मुझे सैम बहादुर के बारे में सोच के बड़ी वो दुख हो रहा है। वो एनिमल के हमने कहा था कि अच्छी है। हाँ, पर सैम बहादुर का भी अच्छा होना चाहिए क्योंकि वो स्टोरी, मतलब आप जिसके बारे में है, अगर उसको उसको अब पता नहीं ना हो कैसी बनी है। भैया आप जो देख के आए हो बताना कि टॉपिक तो उन्होंने अच्छा चूज किया था। पर एनीवे, अभी हम देखेंगे एनिमल मूवी का रिव्यू, तो देखते हैं कि भैया कैसी है। वाकई ट्रेलर के हिसाब से वैसी ही अच्छी बनी है, स्टोरी में दम है, क्या है देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो भैया आपको चाहिए सीधा जवाब, एनिमल देखूं या फिर नहीं? बॉस, कई सालों बाद ऐसी फिल्म आई है जिसका इतना सीधा आसान जवाब नहीं दे सकती मैं। पूरे 10 पॉइंट्स लगेंगे जिसके बाद एकदम 100% तुम्हें फिल्म देखनी चाहिए या फिर नहीं। पहले छोटा सा इंट्रो कर लो। देश का सबसे अमीर आदमी, उसका बेटा दिमाग से एकदम पागल है और पागलपन की वजह खुद उसके पापा है। फिर पापा पे चलती है गोलियां। यहां से बेटे की जिंदगी का अब सिर्फ एक मकसद है, उसको ढूंढना है, मारना है, बदला लेना है। लेकिन बदला इंसान इंसान से ले सकता है। जब सामने खुद शैतान खड़ा हो जाए तब अच्छे अच्छे हीरो की भी हवा निकल जाती है। तब हीरो को हीरो बनके नहीं एनिमल बनके शिकार करना पड़ेगा। ये फिल्म हीरो वर्सेस विलन नहीं, विलन वर्सेस विलन की कहानी है, समझे? पॉइंट नंबर 1, सेफ्टी वार्निंग, खतरे की लाल घंटी। फैमिली के साथ फिल्म देखने से पहले कान जरा खोल के सुन लो मेरी इस बात को। एनिमल सिर्फ नाम की एनिमल नहीं है, फिल्म के अंदर बहुत कुछ ऐसा है जिसको दिखाना तो छोड़ो सोचने की भी हिम्मत नहीं होती। फिल्म का स्टाइल वाकई बोल्ड है। अडल्ट सर्टिफिकेट सिर्फ फैशन के लिए नहीं मिला है इसको। ऐसे डायलॉग्स जो किसी और के सामने नहीं बोलता है कोई भी। ऐसे अडल्ट सीन्स भी हैं जिनको देखते वक्त शायद आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे विद फैमिली। अब आपका पारिवारिक माहौल इसकी इजाजत देगा कि नहीं, फैसला तुम करो। पॉइंट नंबर 2, एनिमल को एक एक्शन फिल्म समझ के थिएटर जा रहे हो तो पैसा वेस्ट मत करो। देखना आउट हो गया बच्चे के साथ तो। दिमाग की कहानी है। संदीप पंगा की फिल्म आपके सामने शीशा लगा के खुद को दिखाना चाहती है, ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। कुछ ऐसे सीन्स जो दिमाग में घुस के पुरानी यादें बाहर निकालते हैं जो भूल कर भी नहीं भूल पाते हो आप। दिमाग वाली फिल्म एक्शन बोल के बेइज्जती मत करो। हाँ, वो बात अलग है कि इंटरवल से ठीक 10 मिनट पहले थिएटर में ऐसा एक्शन होगा जो शायद 100 सालों तक भूल नहीं पाओगे। हम लोग आज तक सिर्फ मशीन गन देखकर पागल हो जाते हैं ना, संदीप पांगा मशीन गन का पूरा परिवार उठा के लाए हैं, कान फट जाएंगे। और हाँ, ये कोई देखा तो था सीन, एकदम असली मेड इन इंडिया गन है ये, पूरे 500 किलो की, संदीप पांगा ने खुद डिजाइन किया है इसको। पॉइंट नंबर 3, फिल्म देखने से डर रहे हो अगर आप कि अंदर क्या डिस्टर्बिंग दिखाया जा सकता है, खून वाले सीन्स कुछ ज्यादा भयानक तो नहीं है? नहीं जी, इस डर को दिल से निकाल सकते हो आप। फिल्म वॉयलेंट जरूर है लेकिन डिस्टर्बिंग बोलना गलत होगा। कुछ ऐसा मेंटल हेल्थ पागलपन नहीं होगा अंदर, डोंट वरी। मार काट वाले सीन्स भी ठीक ठाक हैं, कुछ ऐसा सदमा लगने वाली चीज नहीं है, कोई किसी को काट के नहीं खाने वाला, घबराओ। नंबर 4, ईमानदारी से बता देती हूँ, एनिमल की कहानी बिल्कुल नई या फिर यूनिक टाइप की नहीं है। सिंपल सीधी ABCD, गोल जलेबी जैसा कुछ नहीं है अंदर। हाँ, लेकिन कहानी दिखाने का तरीका वो जबरदस्त है। प्रेजेंटेशन बेस्ड सिनेमा जो आज से पहले किसी भी दूसरी इंडियन फिल्म में नहीं देखा होगा आपने। हर इंसान के दिमाग में एक फिल्टर होता है ना जिसमें वो नाप तोल के किसी भी चीज को बोलता है, संदीप पांगा ने उसको फाड़ के सब कुछ रियल निकाल दिया है। यहीं से आता है पॉइंट नंबर 5, ये फिल्म बिल्कुल नहीं देखनी है हर उस इंसान को जो फेमिनिज्म नहीं बल्कि उसकी गलत फहमी में जी रहा है। हीरो हीरोइन अंदर एक दूसरे के साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, आर पार दिख जाता है, वो क्या बोलते हैं इक्वल, लड़का लड़की का फर्क 0। इसीलिए कुछ ऐसी बातें भी हैं जो पर्दे के पीछे होती हैं लेकिन थिएटर स्क्रीन तो कवर हो नहीं सकती। वांगा साहब की ये हिम्मत लोगों को खटक जाएगी। एक हीरो का दूसरे एक्ट्रेस को अपना जूता चाटने को बोलना, ये चीजें कहानी में है फ्लो के साथ लेकिन कुछ लोग कॉन्ट्रोवर्सी का झंडा उठाएंगे। पॉइंट नंबर 6, फिल्म लंबी जरूर है लेकिन बोरिंग बिल्कुल नहीं है। 3.5 घंटे पब्लिक को थिएटर में बिठाने के बाद भी हर कोई खुश होकर बाहर क्यों निकलेगा जानते हो? क्योंकि एंडिंग के बाद भी फिल्म खत्म नहीं होती। एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जहाँ पे पूरे 3 घंटे जो आपने देखा उससे भी खतरनाक चीज छुपी है। इसके लिए कोई भी तैयार होके थिएटर नहीं गया था। फिल्म के बाद बोनस जैसा है ये सीन, उछल पड़ोगे सीट से, दोनों हाथों से ताली मारोगे, गारंटी। पॉइंट नंबर 7, जो लोग टेंशन में चले गए थे रश्मिका का ये सीन देखने के बाद ट्रेलर में और सोच रहे थे कैसे झेलेंगे भाई इसको, आपका डर सही था। फिल्म में उनका कैरेक्टर बहुत अच्छे से लिखा है लेकिन रश्मिका थोड़ा सा चुप सकती
लगती हैं कानों में। रणबीर के साथ केमिस्ट्री फायर है और जो कैरेक्टर इन्होंने प्ले किया है उसको सिलेक्ट करने के लिए भी गट्स चाहिए थे, इस बात पे ताली मार सकते हो तुम। पॉइंट नंबर 8 ये है कि लॉर्ड बॉबी का कमबैक जबरदस्त है, उनकी एंट्री फिल्म में ऐसे करवाई जाती है जिससे फिल्म का पूरा गेम ही बदल जाता है। बट सॉरी, थोड़ा सा दिल टूटेगा आपका ये जानने के बाद कि बॉबी देओल का रोल काफी छोटा है, कैमियो टाइप का, लेकिन असरदार इतना है पूरी फिल्म पलट सकता है। जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, बस ये डायलॉग एकदम सटीक है बॉबी देओल 2.0 के कमबैक को समझाने के लिए। पॉइंट नंबर 9, फिल्म की सबसे बढ़िया चीज, सबसे बड़ी पावर इमोशंस है। हर बेटा, हर भाई, हर पति के अंदर वाली बातें जो कभी बाहर नहीं आती आज सुनोगे। एनिमल को देखते टाइम ऐसा लग रहा था मुझे ये सिर्फ फिल्म नहीं है, संदीप फांगा ने अपनी जिंदगी का कुछ तो पर्सनल टुकड़ा काट के रख दिया है पब्लिक के सामने। स्पेशली फिर जो म्यूजिक आया जिसमें बीप प्राग ने तड़का लगाया, वहां से तो इमोशंस के सारे तार ही आर पार हो गए और पापा मेरी जान रिपीट पे चलेगा। इसीलिए थिएटर से पापा मेरी जान कोई गाना है जो फिल्म सुनना पड़ेगा। रणबीर ने किया कितना सही कितना गलत, तेल लेने गया, पापा बेटे का प्यार ऐसा हो वरना ना हो, बस यही तो है पॉइंट नंबर 10। द रणबीर कपूर, याद है मुझे जब संदीप पांगा ने फिल्म को अनाउंस किया था तो सुपरस्टार रणबीर कपूर लिखा था, तब कुछ लोग लड़ने आ गए थे, भाई सुपरस्टार कैसे बोल दिया, अभी तो बच्चा है ये, सुपरस्टार बनने में 100 जन्म लगेंगे। बेटा जी, सिर्फ एक फिल्म लगी है और रणबीर ने ऐसा काम किया है कि ये सुपर से भी ऊपर वाले स्टार बन गए हैं। आसमान जितना टैलेंट है इस बंदे के अंदर, जिसमें ना जाने कितने छोटे मोटे स्टार्स की एक्टिंग शुरू होके खत्म भी हो जाती है। रणबीर कपूर का पागलपन इस फिल्म के अंदर अलग लेवल पे चला गया है, हर एक डायलॉग में आपको रणबीर नहीं एनिमल नजर आता है। बॉस, ऐसी फिल्म में काम करने के लिए वही बंदा तैयार होगा जो दिल से सच्चा आर्टिस्ट है, जिसको सही गलत नेगेटिव पॉजिटिव से लेना देना ही नहीं है कुछ। अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाने का जो मौका संदीप पांगा ने रणबीर को दिया था, बंदे ने उस पर चौका नहीं छक्का मार दिया है। कुछ लोग डर रहे थे रणबीर को देखकर कि बाकी बच्चे उनके जैसा बनने की कोशिश तो नहीं करेंगे, बॉस आपका डर बिल्कुल सही है। एक्चुअली रणबीर ने परफॉर्मेंस इतना गजब का दिया है कि हर कोई उसके जैसा बनना चाहेगा, लेकिन एक्टिंग और रियल लाइफ में फर्क होता है, वो लोगों को सीखना पड़ेगा। लास्ट में बस तुम थैंक यू बोल दो इस इंसान को जिसका नाम मैं ऑलरेडी इतनी बार बोल चुकी है। बस एक छोटी सी शिकायत है मेरी, संदीप पांगा ने ये फिल्म दिल से बनाई है इसलिए वो हर सीन पब्लिक को दिखाना नहीं फील कराना चाहते हैं, लेकिन इस वजह से ना पिक्चर सेकंड हाफ में कई जगह पे लंबी खिंच जाती है। रणबीर रश्मिका की बातें जरूरी है लेकिन कम डायलॉग्स में होती तो स्क्रीन पे फास्ट होता। तो बॉस, मेरे पास एनिमल को देने के लिए 5 में से पूरे 5 स्टार्स हैं। आधा इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि यहां से इंडियन सिनेमा को बदल देगी ये फिल्म, और भी डायरेक्टर्स अब शायद हिम्मत दिखाएंगे बोल्ड रियल बिना फिल्टर सिनेमा बनाने की। हम साथ साथ हैं का टाइम गया, पब्लिक को एनिमल चाहिए। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया तो हम साथ साथ ऐसे चाहिए तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। भाई ये तो भाई मैं तो देख के मुझे तो समझ नहीं आ रही, मैं देखूंगा। आप लोग बताओ भैया कैसी लगी जाकर। बहुत, मैं तो पहले ही बोल दिया था ट्रेलर के अंदर ही जब देखा था कि पूरी वॉयलेंट है, ये लड़कों के लिए बनी हुई है, हम जैसे जो है प्यार वाले उस टाइप के उनके लिए नहीं है। वो बोल तो नहीं हम साथ साथ का टाइम गया, वो तो मैं भैया मैं तो मेरे लिए तो वही मूवियाँ बड़ी अच्छी थी कि हम साथ साथ फैमिली वाली मूवीज, कभी खुशी कभी गम, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उस टाइप की। वो कौन सी थी, बागवान। भाई आप हमें आरे को तो वही मूवियाँ अच्छी लगती हैं, मैं तो तब से वेट करूँ कोई उस टाइप की अच्छी मूवी बने जो फैमिली के साथ बैठ के देख सकूँ। ये तो कह रहे हैं कि आप फैमिली के साथ देख ही नहीं सकते इस मूवी को, पर भाई बताओ कैसी है। बहुत प्रेस तो बहुत हुई है, इनको भी बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छी प्रेस की है, जो ट्रेलर था अच्छा लग रहा था। ठीक है, नई टाइप की मूवी है, न्यू कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं, नई टाइप की एक्टिंग है, वो कह रहे हैं डायलॉग थोड़े ज़्यादा बोल्ड हो गए हैं, जो दैट्स हाउ इट इज़। तो हम क्योंकि जो वेस्ट में रहता है उसके लिए तो सभी मगर वो ये कह रहे हैं कुछ बच्चे गलत रास्ते पे जा सकते हैं, देखना पड़ेगा। ये भी कह रहे हैं फैमिली के साथ इसको नहीं देख सकते, अलग से देखिए। तो मतलब कुछ अच्छी बातें उन्होंने वार्न की हैं कि अलग से ही देखो, फैमिली के साथ मत देखो, और कुछ ज़्यादा ही बोल्ड हैं, बोल्ड विचार हैं, अच्छी बनी है, डिफरेंट टाइप की मूवी है, नई चीज़ कुछ की है, एक्टिंग अच्छी है, तो देखते हैं क्या होता है। जैसे कह रहे हैं कि 100 करोड़ पहले दिन कर लिए हैं, तो लॉट ऑफ पीपल आर लाइकिंग इट। या इट इज अ डिफरेंट मूवी, इट्स अ डिफरेंट मूवी। अब भैया दैट डिपेंड्स अप आपका टेस्ट कैसा है। हाँ, अगर आपको एक्शन पैक्ड मूवी उस टाइप की अच्छी लगती है तो यू विल एंजॉय इट,
और कई होंगे जिनको नहीं होगा. मोस्टली मेरे को लगता है फीमेल्स जो होंगी उनको तो लड़कियों को इस टाइप की शायद ना पसंद आए. आई डोंट नो भैया, बताओ मुझे पसंद आएगी कि नहीं आएगी. मैं देखना चाहूँ कि नहीं देखना चाहूँ. इतनी मारधाड़ पता नहीं मुझे देखी जाएगी कि नहीं देखी जाएगी. भैया प्लीज़ कमेंट, देखें कि नहीं देखें, और देखें तो कौन सी पहले देखें. अगर दोनों देख चुके हो, सैम बहादुर भी देख चुके हो, तो बताओ सैम बहादुर देखें पहले कि ये देखें, या कौन सी इनमें से अगर एक चूज़ करनी हो तो कौन सी देखें. सारा कुछ कमेंट सेक्शन में क्लियरली बताना, उस हिसाब से प्लान किया जाएगा, क्योंकि देखनी तो हमें भी है. तो चलो शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए.